नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ रोशन। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी साल है तो तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार भी हैं। इसी क्रम में राजद के तेजस्वी लगातार सीमांचल दौरे पर हैं। आज से उन्होंने अपना दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान वो NRC, NPR और CAA के खिलाफ लोगों के बीच जाएंगे, प्रतिरोध मार्च करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि सीमांचल के माध्यम से, क्योंकि ये चुनावी साल है तो सीमांचल के माध्यम से तेजस्वी क्या करना चाहते हैं, सीमांचल का प्लान क्या है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर हैं, जो बताएंगे कि वाकई में इस चुनावी साल में सीमांचल के माध्यम से तेजस्वी क्या करना चाह रहे हैं, क्या है उनका सीमांचल का प्लान। देखिए, जिस तरह से सीमांचल में AIM की एंट्री हुई है, धमाकेदार एंट्री हुई है ओवैसी की पार्टी की, उसके बाद कहीं से कहीं ना ये कहा जा रहा है कि एक तरह से राजद पर दबाव बढ़ा है और कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है, महागठबंधन के जितने भी दल हैं, कि वो अपना जो वोट बैंक है, जो स्पेशली जो आपका सीमांचल एरिया है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जो भी वहाँ के क्षेत्र हैं। तो अभी तक जैसे किशनगंज में कांग्रेस की हार हुई और राजद ने इसकी एक प्लानिंग तैयार की है, और इस प्लान के तहत सबसे पहला जो काम हो रहा है, जो पहले किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, कांग्रेस के थे असरारुल हक, उनका जो कुनबा है, उनके जो बेटे हैं, आज तेजस्वी आज राजद में शामिल होंगे। और क्योंकि आज किशनगंज में तेजस्वी यादव का रैली है और इस रैली के दौरान ही वो एक तरह से घोषणा हो जाएगा कि वो राजद में शामिल हो गए, तो ये पहला प्लान है। और आपको बता ही दे तो सबसे पहली चीज़ आप देखने वाली ये बात है कि जो तेजस्वी यादव एकदम से अभी थोड़ा गायब चल रहे थे, कहा जाता है कि माँ का इलाज के लिए वो दिल्ली गए थे, वहाँ से जैसे ही आए उनका सबसे पहले जो फोकस है वो सीमांचल के एरिया पे है, और वो लगातार वहाँ पे 3 रैली कर रहे हैं, जो आज है किशनगंज में एक रैली है, उसके बाद 17 तारीख को है अररिया में और 18 तारीख को है कटिहार में। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, आपको मालूम ही होगा कि ये एक तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। तो राजद का पहला प्लान है कि हम जो इस क्षेत्र में जो दबाव बढ़ा था AIM के आने के कारण, ओवैसी के पार्टी के आने के कारण, उसे कम किया जाए, और जो वोट बैंक इधर उधर बिखर रहे थे किसी और छोटे दलों में, उसे राजद चाहती है कि वो हमारे पाले में आ जाए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो राजद का समीकरण MY समीकरण, जिसके लिए मशहूर रहा है कि MY समीकरण पे राजद चलती है, तो उसमें से जो M समीकरण, जो मुस्लिम समीकरण है, उसको कहीं ना कहीं साधना चाहते हैं तेजस्वी सीमांचल के माध्यम से। देखिए, असरारुल हक जो हैं, उनके बेटे हैं, उनका नाम है मौलाना सऊद आलम, ठीक है, और वो पहले विधायक भी कांग्रेस के रह चुके हैं, राज्य में मंत्री भी रहे हैं। तो वो आजकल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, नाराज इसलिए चल रहे थे कि वो जब उनके पिताजी का निधन हुआ तो उपचुनाव नहीं कराया गया, क्योंकि लोकसभा का ज़्यादा समय बचा नहीं था। इस कारण 2019 के लोकसभा के समय वो चाहते थे कि कांग्रेस उनको टिकट दे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, बल्कि डॉक्टर जावेद को टिकट दिया और वो जीत भी गए। और लेकिन वहाँ पे भी देखिए, किशनगंज में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो एक नंबर पे JDU थी, एक नंबर पर कांग्रेस थी और दूसरे नंबर पर JDU थी, और तीसरे नंबर पर ओवैसी के पार्टी के थे अख्तरुल ईमान, जो वो तीसरे नंबर में थे। और वहाँ पर अगर वोट का अंतर देखा जाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि 3 लाख कुछ के आसपास कांग्रेस लेकर आई थी, वहीं दूसरे नंबर पर JDU थी 3,10,000 के आसपास, और यहाँ अख्तरुल ईमान का जो वोट था वो भी 2,90,000 के आसपास था। तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे जो वोट प्रतिशत था, तो वहीं तीसरे नंबर पे ओवैसी की पार्टी थी जिनको वोट प्रतिशत अच्छा आया था। और फिर उसके बाद वो किशनगंज में जो उपचुनाव हुए उसमें उनकी पार्टी ओवैसी की पार्टी जीत के आई। तो एक तरह से राजद और कांग्रेस को अंदर डर सता रहा था कि कहीं मेरा जो वोट बैंक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस और राजद का वोट बैंक माना जाता है, राजद का MY समीकरण चलता है आप जैसे बता रहे थे, तो वो अपने MY समीकरण को बचाने के लिए एक तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले हैं और 3 दिन लगातार सीमांचल में रहेंगे, और इनका जो यात्रा है उसे प्रतिरोध मार्च कहा गया है, जो CAA और NRC के खिलाफ जो भी सभा को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। तो एक तरह से वो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सीमांचल यात्रा पर निकले हुए हैं। और अगर फैक्ट की अगर देखा भी जाए तो जो किशनगंज और सीमांचल एरिया है, एक तरह से उस क्षेत्र में राजद का दबदबा पहले से है, और एक समय में जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र था वहाँ पर राजद के प्रत्याशी जीत कर आया करते थे। हम आपको बता देते हैं
1991, 1996, 1998 और 2004 में जनता दल और राजद की राजद जीत के आया था, ठीक। और जो उनके मौलाना असरारुल हक थे, राजद के प्रत्याशी थे, वो लगातार जीतकर वो वहाँ से आ रहे थे। फिर 1999 में वहाँ पे भाजपा ने जीत हासिल की थी और फिर 2004 में जनता दल और राजद की जीत हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए कि जो पहले की भी आप बात की जाए तो वहाँ पर राजद का वोट बैंक रहा है और वहाँ से उनके एमपी जीतते आ रहे थे। और लेकिन 2004 के बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ में चली गई थी और जो कांग्रेस के आपके असरारुल हक थे वो जीत कर आ रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे एक तरह से जो थे वो निराश हो गए थे, उनका नाम है आपका सऊद आलम, तो राजद चाहती थी कि वो कहीं किसी और दल में ना चले जाए। तो एक तरह से कहा जाएगा कि राजद एक तरह से इसके साथ ही वो महागठबंधन, क्योंकि राजद और महागठबंधन एक है, कांग्रेस एक है। अगर वो राजद या कांग्रेस में रहते हैं तो फिर महागठबंधन को कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस चुनावी साल में सीमांचल से शुरुआत की है यात्रा तेजस्वी यादव ने। मकसद सिर्फ ये है, इतना है कि वोट बैंक, जो वोट का आधार था, वो कहीं गुम न हो जाए, कहीं खो न जाए। दबाव इसलिए भी है क्योंकि AIMIM ने किशनगंज में उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में किस तरह से वो अपने समीकरण को, अपने वोट बैंक के आधार को बचा पाते हैं, क्योंकि तमाम तरफ से कभी ऐसी भी बातें आती हैं कभी कभी कि तेजस्वी का जो नेतृत्व है उसे स्वीकार करने से महागठबंधन के घटक दल ही इनकार कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच तेजस्वी कैसे सामने आएंगे और किस तरीके से इन चीज़ों को वो ठीक करेंगे और सीमांचल के अंदर, सीमांचल के क्षेत्र में कैसे राजद के दबदबा को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप बने रही लाइव सिटीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। साथ ही हर छोटी बड़ी खबर को पढ़ने के लिए livecity.in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।